हेलो भाई, गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो आपने वीडियो देखी, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आपको को काइन मास्टर की, जरूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे सब पहले अपने एक काइन मास्टर को ओपन कर कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद बाद आपको इसमें अपनी साइज सेट करनी है है, जो जो कि कि 16:9 है। यूट्यूब उसको को करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट करने के बाद आपका ये आपका जो काइन मास्टर मास्टर, ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज इमेज, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने इमेज इमेज हिस्ट्री में जाना है, इस पे आपको आपको ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद वो आपको इसको तो हटा देना है। इस कुछ इस प्रकार से आपको तो थोड़ा इसको हल्का सा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद अपने आपको सबसे आगे ले पे आ जाना है, यहाँ पे आपको 30 सेकेंड के आसपास रोक रुक देना है कुछ यहाँ पे। सबसे और आपको सब पहले फर्स्ट, ले लेनी है। सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब का जो नाम लिखना है। अपना मेरा यूट्यूब नाम है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। किस प्रकार से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और इसमें इस वाले आइकन पे जाना फ़ॉन्ट वाले पे है। जाने के आपको अपने हिसाब हिसाब से जो आप अपने से अपने बताए फॉन्ट रखना वो आप रख सकते हैं। मैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज वाले करता अपने हूँ, तो आप भी हिसाब से फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। इतना हो इसको जाने के बाद आपको एनिमेशन पे जाना है। उसके एनिमेशन में जाने के बाद आपको स्लाइड सॉरी वीप राइट कर देना है। उसके इतना कर देने के बाद आपको आप अपनी वीडियो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आप आपको एक और ले, बनानी है। टेक्स्ट वाले तो टेक्स्ट ऑप्शन रहते हैं, टाइप यहाँ पे आपको करना है www डॉट यू डॉट कॉम इतना लिख लेना है। उसके इतना लिख लेना। बाद आपको यहाँ एक स्टेटमेंट कर लेना, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इसको भी आप आप फॉन्ट को अपने हिसाब से कि चूज करके आपको इसको लगा वाला सकते हैं। मैं और लिखता फॉन्ट रख लेता हूँ, और आपको तो एनिमेशन पे जाना है। और इसे भी आपको सेम वही विप राइट वाला कर देना देना है। हो जाए आने के बाद आपको तो नीचे जाना आए, आपको और यहाँ पे आप टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। और इसे थोड़ा करेक्टर को थोड़ा इंक्रीज कर देना। इंक्रीज करने के बाद इसको थोड़ा हल्का सा माइनस कर देना। ठीक और एडजस्टमेंट कर लेना यहाँ। है इस तो कुछ इस प्रकार ऐसे निकल दिया। तो आप मैं मैं आपको वीडियो करके दिखाता हूँ, तो अभी अपना एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको को हल्का सा एडजस्ट निकल देना कुछ इस प्रकार से यहाँ ठीक है। पे अपना एडजस्टमेंट डॉट चुके हैं। तो इसके बाद कुछ आपको कुछ नहीं करना, अपनी अपनी एक सेकेंड तो आपको कुछ कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको अपनी लेयर ओपन करनी है और और मीडिया पे जाना मैं और एनिमेशन आपको का लिंक डिस्क, उसमें दे दूंगा तो आप आप वहां जाके इसको इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसको इस स्प्लिट स्क्रीन पे जाना फुल है और इसको फुल कर देना है। करने के बाद आपको इसको करने एडजस्टमेंट करने के लिए आपको और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। है, और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको वीडियो को मैं प्ले करके दिखाता हूँ फिर तो कैसे आता। देख लीजिए। थोड़ा तो अभी आपका ये तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको ऊपर कर देना है इसको इस प्रकार। आज से तो गाइस इतनी में मेरी वीडियो रेडी हो चुकी दी। तो देखिए गाइस एनिमेशन थ्री डी इन के साथ वीडियो आ चुकी चुकी है। थोड़ी है जिसमें आपको और यूज़ करने के लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन जाना है, और ऑडियो सेलेक्ट करना है जो आपका हो ऑडियो मेरा ऑडियो सेलेक्ट कर, लाऊं तो आप 2 मिनट वेट कीजिए। तो गाइस लाइक वाले ऑडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वो आपको मैं ये सुना देता हूँ। कैसी आई है तो गाइस इस प्रकार से हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। और मैं इस भी ऑडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दूँगा, तो प्लीज़ आप आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऑडियो को और यूज़ कीजिए, और इस प्रकार की वीडियो बनाइए। अगर आपको इस इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए, ये उस पर कमेंट कीजिए। कीजिए। वीडियो पे आपको जो वीडियो भी चाहिए मैं आऊँगा के और आप लिए तो हाँ हाँ राइट इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए आप।
HD सेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में।